एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद मुजफ्फरनगर के ब्लॉक बघरा में स्थित गुर्जहेड़ी गांव पड़ा। लगभग 2400 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 8 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान आफ्ताब हैं। लगभग 1350 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। बात अगर शिक्षा के स्तर की की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी विद्यालय में लगभग 87 बच्चे अध्ययनरत हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 20 हैंडपंप लगवाए गए हैं व विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 60 विद्युत पोल, 20 विद्युत ट्रांसफार्मर व 23 सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। इसी के साथ वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में खड़ंजे, 3 सीसीटाइज रोड, पानी निकासी के लिए नाला, बारात घर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 118 शौचालय तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास भी बनवाए गए हैं। वहीं वर्तमान ग्राम प्रधान ने एबीपीएस न्यूज के माध्यम से गांव में सीसीटाइज रोड, तालाब की बाउंड्री, स्वास्थ्य केंद्र, शमशान घाट, कब्रिस्तान की बाउंड्री, जूनियर हाई स्कूल की बाउंड्री, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10 आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान गुर्जहेड़ी ब्लॉक बघरा जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं वर्तमान प्रधान हूँ। मैंने अपने गांव में साफ सफाई करवाई, गांव के लोग भी खुश हैं मेरी साफ सफाई से, साफ सफाई करवाने के और मैंने गांव में सौर ऊर्जा की लाइट लगवाई, 8 पिछले साल लगवाई, 15 अभी हाल लगवाई, 23 लाइट लगवाई। गांव में अच्छा खासा रोशनी रात को मिलती है जनता को और जो है मैंने 18 लाइट बिजली लगवाई है और इससे काफ़ी गांव में रात को तसल्ली, चांदना बहुत अच्छा मिलता है। आने जाने में किसी भाई कोई दिक्कत परेशानी, हर महल्ले में हर गली में रोशनी है। अच्छा, मैंने अपने गांव में भूमि स्थान है, वहाँ पे गांव की सभी महिलाएं पूजने जाती थी, वहाँ को रास्ता बहुत ख़राब था और नाला बनवाया मैंने, उससे गांव के सभी पूजने जितने जाती थी वैसे भी आम आदमी को सब बहुत खुशी हुई है उस रास्ता बनने से, उस रास्ते का नाला जो बनवाया है मैंने, सब खुश है, उससे बहुत सुविधा मिली है, उससे नाले से बन जाने से आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैंने एक इंटरलॉक बनाया हरिजनों के पंचायत घर पर, इंटरलॉक बनाया है और एक भूप सिंह देव स्थान के कोने से बुद्धू हरिजन के मकान तक इंटरलॉक बनाया है और मैंने एक बुद्धू हरिजन के मकान से रामवीर ठाकुर के मकान तक एक इंटरलॉक लगाया है और मैंने जो है गरीब प्रधान के घेर से और राकेश के मकान तक खड़ोंचा लगाया है और भी कार्य किए हैं। 118 मैंने अपने गांव में शौचालय बनवा दिए हैं, बिल्कुल सही जो चालू है मेरे गांव में, बहुत खुशी है इन बातों से। मेरी मांग है मेरे गांव में किस थोड़ी है, कार्य ज़्यादा हैं मेरे गांव में और किस बढ़कर मुझे मिलनी चाहिए। मेरे गांव में दो रास्ते बहुत दिक्कत है, दो रास्ते बढ़ जाने में, उन दोनों रास्ते बनने जाने बहुत ज़रूरी है। मेरे स्कूल में चार दीवारी नहीं है, बाउंड्री नहीं है मेरे स्कूल की, उसकी बाउंड्री होनी चाहिए, उसमें इंटरलॉक फरस, अच्छा फरस लगना चाहिए जिससे बच्चे बैठे जाके माँ धूल मिट्टी उड़ रही है। मेरी निधि में इतना पैसा नहीं है गाँव की जो मैं सभी कार्यों को करवा सकूँ, इस करके सरकार से मेरी प्रार्थना है कि मुझे मेरे गाँव के विकास कार्य के लिए किस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा करके दी जाए जिससे मैं अपने गांव के विकास कार्य करा सकूँ। मेरे गांव में शमशान घाट नहीं है, उसको भी सरकार उसके लिए मुझे पैसा दे और जगह हम देंगे और कब्रिस्तान के हमारे यहाँ दीवार नहीं है, जो लोग बाग जनता जो है उन्हें दीवार उन्हें तोड़ जाती है, उनकी मेड को तोड़ जाती है, अपने खेत बढ़ाओ जाते हैं, कब्रिस्तानों को भी टूट हो रही है और मेरे यहाँ एक शमशान घाट नहीं है आज तक, जो शमशान घाट की बहुत जरूरी आवश्यकता है, वो शमशान घाट ही मेरे गांव में बनना बहुत जरूरी है, इसके लिए भी मुझे पैसे की आवश्यकता है।